मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों में कई राउंड गोलियां चली, जिसमें तीन बदमाश और एक सिपाही को गोली लगने से वे घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाशों से एक पिस्टल, दो तमंचे और कारतूस के साथ एक लूटी गई बाइक भी बरामद हुई है। आप सभी विदित हैं, पिछले एक हफ्ते में जनपद मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ लूट की घटनाएं, मोटरसाइकिल लूट और पेट्रोल पंप लूट की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसमें आज कोतवाली पुलिस द्वारा एक शानदार काम किया गया है। इन्हें सूचना मिली जिस पर इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी बुढ़ाना गेट चौकी पर। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश आते दिखाई दिए। जैसे ही उन्हें रोकने का प्रयास किया वो रुके नहीं, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए वो भागे, क्योंकि आगे भी पुलिस पार्टी, आगे से भी हमारी चेकिंग चल रही थी। इनकी घेराबंदी कोतवाली पुलिस द्वारा की गई। इन्होंने एक कच्चा इधर का रास्ता पकड़ा जंगल का, यहाँ पे ये फिर इन्हें ललकारा पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए, ये नहीं किए। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें हमारा एक बहादुर सिपाही भी घायल हुआ है, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें तीन बदमाशों पर गोली लगी है। और उनसे पूछताछ पे उन्होंने विगत, ये जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है, यद्यपि इसका नंबर बदला हुआ है, लेकिन पूछताछ पे बताया है कि ये कोतवाली से ही इन्होंने तीन चार दिन पहले लूटी थी। बाकी इसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी तस्दीक कर लिया जाएगा। इसके अलावा इनके पास से, तीनों के पास से अवैध हथियार मिले हैं, जिसमें एक 32 बोर की पिस्टल है, दो पे तमंचे मिले हैं। सर, किसी पेट्रोल पंप पे जो लूट हुई है कोई खुलासा किया है इन्होंने? इन्होंने पिछले एक हफ्ते की जो भी घटनाएं हुई हैं सभी में थे। इनकी तो पहचान फुटेज से हो रही है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से फुटेज भी सभी समाचार पत्रों में निकले थे। इनमें से जो अपराधी पकड़े, आज घायल हुए हैं, ये इनकी शिनाख्त हो रही है और इन लोगों ने स्वीकार भी किया है। अभी जो छपार में एक पेट्रोल पंप पे घटना की थी इन्होंने, मंसूरपुर थाना क्षेत्र में भी दो दिन पहले की थी। यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है, लेकिन फिर भी बदमाश है कि बेखौफ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस बदमाशों के दिलो दिमाग में अपना डर नहीं बिठा पाई, जिससे वो लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे, या फिर पुलिस इन बदमाशों के आगे कौन साबित हो रही है?